समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम के नेतृत्व में मंगलवार को पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर उम्भा गांव में हुए नरसंहार पर मृतक आश्रित आदिवासी परिवारों से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के नेताओं को रोकने के संबंध में नारेबाजी करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सपा के महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम ने अपनी बातों को रखते हुए कुछ उटपटांग बातें की और कहा कि अगर समाजवादी पार्टी ने इस मांगों को नहीं मानी तो हम लोग सरकार के खिलाफ संघर्ष करने को बाध्य हो जाएंगे। इस दौरान मनोरंजन यादव, शिवशंकर गौड़, खरबान यादव, सच्चिदानंद यादव, हीरालाल यादव, सिंहासन यादव सहित सैकड़ों पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सपा के महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम ने कहा, पुलिस के बल पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सोनभद्र के नरसंहारों को फांसी दो, फांसी दो। सोनभद्र के नरसंहारों को फांसी दो, फांसी दो। आज समाजवादी पार्टी जनपद गोरखपुर के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी गोरखपुर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में सोनभद्र की घटना को लेकर हम लोग निंदा कर रहे हैं। सोनभद्र के अंदर जिस तरह का नरसंहार हुआ और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरह से नाकाम हो रही है। पूरे प्रदेश के अंदर अपराध के ग्राफ बढ़ते चले जा रहे हैं। लगातार हत्याएँ, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएँ हो रही हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल जी और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और विधायक साथी लोग आज सोनभद्र गए थे, मगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सरकार के सहारे पर उनको रोकने का काम किया। जब कार्यकर्ताओं ने दबाव बढ़ाया तो केवल प्रदेश अध्यक्ष दो चार लोगों ले आके गांव के अंदर मिलवाने का काम किया। समाजवादी पार्टी की मांग है कि पीड़ित परिवारों को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और ज़मीन का अध्यादेश ला करके आदिवासियों को उस ज़मीन को का मालिक बनाया जाए और जो नरसंहार किए हैं ऐसे लोगों की जो जांच है वो जो जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है उस शासन से कराया जाए और ट्रायल भी उसी शासन में कराया जाए ताकि पीड़ितों को इंसाफ मिल सके। और समाजवादी पार्टी अगर इस मांगों को नहीं मांगेगी तो हम लोग सरकार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और समाजवादी पार्टी अगर इस मांगों को नहीं मांगेगी तो हम लोग सरकार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और समाजवादी पार्टी अगर इस मांगों को नहीं मांगेगी तो हम लोग सरकार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और समाजवादी पार्टी अगर इस मांगों को नहीं मांगेगी तो हम लोग सरकार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और समाजवादी पार्टी अगर इस मांगों को नहीं मांगेगी तो हम लोग सरकार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए बाध्य हो जाएंगे।